So guys, we were discussing about authorization, if you remember. Authorization means what access you are giving to the user who is accessing the device. Agree? ऑथराइजेशन का मतलब है हम यूजर को जो एक्सेस दे रहे हैं, फाइन, वो उस एक्सेस से क्या कर सकता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ऑथेंटिकेशन के बारे में, इफ यू रिमेम्बर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड कि हम किसको एक्सेस देना चाहते हैं, यू रिमेम्बर। हम यूजर नेम पासवर्ड बनाते थे और यूजर को ऑथेंटिकेट करवाते थे, फाइन। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया, अब यूजर ने लॉग इन कर लिया, हमें यूजर को किस टाइप का एक्सेस देना है। फॉर दैट थिंग वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑथराइजेशन, फाइन। तो कल हमने दो तरीके पढ़े थे यूजर को ऑथराइज करने के। पहला तरीका था प्रिविलेज लेवल, दूसरा तरीका था पार्सर व्यू। ऑल ऑफ यू रिमेम्बर। तो अगर आपको याद हो तो पार्सर व्यू और प्रिविलेज लेवल दोनों में ही प्रॉब्लम थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? Only commands will be matched. No done. और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? Every configuration will be done on per device basis. तो लेट्स से मेरे पास नेटवर्क में 50,000 डिवाइसेस हैं, तो मुझे नेटवर्क में सारे डिवाइसेस पे जाके पार्सर व्यू खुद बनाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर मैं प्रिविलेज लेवल की बात करूं, प्रिविलेज लेवल भी मुझे मैनुअली असाइन करना पड़ेगा। और आपको याद है कल मैंने आपको प्रिविलेज लेवल कस्टमाइजेशन सिखाया था, जिसमें हम एक पर्टिकुलर प्रिविलेज लेवल में कमांड सेट डिफाइन कर सकते थे कि हाँ भाई प्रिविलेज लेवल 5 में बंदा ये कमांड चला पाए। लेकिन प्रिविलेज लेवल के साथ एक प्रॉब्लम थी जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस रूल। ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो गाइस, अब तक हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लोकल ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हमारा जो डेटाबेस रहता है वो डिवाइस पे लोकल होता है, और जो हम पार्सर व्यू बना रहे थे वो भी डिवाइस पे ही बना रहे थे। सिर्फ आपको यहाँ पे ये बात समझनी है, द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, जब भी कोई रिमोट यूजर कमांड टाइप करेगा, लुक हियर इन द टोपोलॉजी, लेट्स से ये मेरा यूजर है, दिस इज माय राउटर। यूजर ने राउटर को टेलनेट के थ्रू एक्सेस किया। अब कोई भी यूजर कमांड टाइप करेगा, राउटर कहां पे चेक करेगा कि वो कमांड यूजर चला सकता है या नहीं? लोकली। क्यों? क्योंकि यार पार्सर भी आपने डिवाइस पे लोकली बनाया, एग्री। प्रिविलेज लेवल भी आपने डिवाइस पे लोकली डिफाइन किया, आपने प्रिविलेज लेवल को कस्टमाइज भी डिवाइस पे लोकली किया, यस और नो? बात समझ में आई? अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंस्टेंट ऑफ डूइंग लोकल ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, वी आर मूविंग टू रिमोट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जिससे फायदा क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो मुझे डिवाइस पे इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्री। अब हम क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग अ न्यू कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड ट्रिपल ए सर्वर। हमें सिर्फ राउटर को इंस्ट्रक्ट करना है कि वेन एवर यूजर वॉन्ट टू ऑथेंटिकेट और यूजर वॉन्ट टू ऑथोराइज, सेंड रिक्वेस्ट टू ट्रिपल ए सर्वर। ट्रिपल ए सर्वर तुझे बताएगा कि ऑथेंटिकेट करना है या नहीं करना, ऑथोराइज कमांड चलाने देनी है या चलाने नहीं देनी।
Agree? So this particular thing is called remote authentication and authorization. जैसे कि मैं क्या करूंगा, सब लोग इधर देखे, अब ट्रिपल ए सर्वर पे ना डेटाबेस बनाऊंगा, ठीक है? डेटाबेस क्या बनाया मैंने, यूजर नेम बना दिया टेस्ट, पासवर्ड डिफाइन कर दिया टेस्ट, डन। इस यूजर के लिए प्रिविलेज लेवल डिफाइन कर दिया, लेट से 5, क्या डिफाइन कर दिया 5, और कमांड डिफाइन कर दिया कि भाई ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चला पाए। यूजर ने लॉग इन किया, यूजर नेम क्या एंटर किया टेस्ट, पासवर्ड क्या एंटर किया टेस्ट, क्लियर। राउटर क्या करेगा, ट्रिपल ए सर्वर से पूछेगा भाई चेक करो यूजर नेम टेस्ट और पासवर्ड टेस्ट तुम्हारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ट्रिपल ए सर्वर बोलेगा यस एग्जिस्ट करता है, यूजर को क्या मिल जाएगा एक्सेस। अब यूजर को एक्सेस मिलने का मतलब यूजर को प्रिविलेज लेवल क्या मिलेगा, जो हमने डिफाइन किया, क्या प्रिविलेज लेवल पुश होगा 5। इसका मतलब यूजर डायरेक्टली किस मोड में आएगा, प्रिविलेज मोड में, किस मोड में आएगा। अब जैसे यूजर कमांड चलाई, लेट से यूजर ने कमांड चलाई शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो राउटर पहले वो कमांड किसके पास भेजेगा, ट्रिपल ए सर्वर के पास। हाँ भाई ये यूजर ये कमांड चला सकता है, चला सकता है, आउटपुट देख गया यूजर को, यूजर ने कमांड चलाई शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, राउटर ने वो कमांड किसके पास भेजी, ट्रिपल ए सर्वर के पास, यूजर इज नॉट अलाउड टू रन दिस पर्टिकुलर कमांड, लिखा जाएगा ऑथराइजेशन फेल्ड, ऑथराइजेशन, यू आर नॉट अलाउड टू रन दिस कमांड, बिकॉज इन केस ऑफ ट्रिपल ए सर्वर वी कैन मैच द कमांड एज वेल एज आर्ग्यूमेंट, एज वेल एज आर्ग्यूमेंट, वो हम देखेंगे मैच कैसे होगा, फाइन। लेकिन अब हम डिवाइस पे ना ही ऑथेंटिकेट लोकली करवाएंगे, ना ही ऑथोराइज लोकली करवाएंगे, हम सारा काम किस पे करेंगे, ट्रिपल ए सर्वर पे। तो गाइस जस्ट फॉर नाउ, ठीक है, हम ना दो प्रोटोकॉल है मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए, एक है टकैक्स और एक है रेडियस, फाइन। अभी के लिए हम सिर्फ टकैक्स पढ़ते हैं, जब हम आइस स्टार्ट करेंगे आइस के साथ किसको पढ़ लेंगे, रेडियस। रीजन बताता हूं यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, मेरे को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप इतनी सारी बातों को दिमाग में एक टाइम पे नहीं रख पाओगे, फाइन। हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, टकैक्स। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टकैक्स, टकैक्स प्रोटोकॉल है क्या, फाइन। सो वी राइट इट लाइक दिस, यार आप गूगल कितनी देर में खोल लेते हो, प्रोसेसिंग पे फर्क पड़ेगा लेकिन वो डिले इतना कम होगा कि आपको फील नहीं होगा। अब एक चीज खुद देखो, हमने डिवाइस पे लोकल डेटाबेस बनाया हुआ है, डिवाइस को वो भी तो चेक करना पड़ता है, यस और नो, उसमें टाइम लगता है नहीं, तो सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि एक डिवाइस अगर दूर पड़ा है, सर्वर दूर पड़ा है, उसमें टाइम लगेगा, नहीं, फाइन, ऐसा कुछ नहीं। हाँ अभी एक बात आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, अगर वो सर्वर ही डाउन हो गया फिर तो कभी यूजर ऑथेंटिकेट और ऑथराइज नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, अभी जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको, हम लिस्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं लिस्ट, हम अपने डिवाइस को बताते हैं कि सबसे पहले तेरे को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करनी है सर्वर से, अगर ना हो तो लोकली, अगर ना हो तो इन केस अगर सर्वर के साथ रीचेबिलिटी क्या हो जाए डाउन, क्लियर, उसको बोलते हैं मेथड लिस्ट, क्या बोलते हैं मेथड लिस्ट, पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटोकॉल से टकैक्स, टकैक्स की फुल फॉर्म है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल सर्वर, बेसिकली हमें टकैक्स प्लस पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल आया था 1990 में, टकैक्स, टकैक्स और टकैक्स प्लस का कोई लेना देना नहीं है,
हम ऐसा नहीं कह सकते कि टका एक्स प्लस है कि इंप्रूवमेंट है किस पे टका एक्स पे, तो हमें पढ़ना टका एक्स प्लस है, तो हम किसकी बात करेंगे टका एक्स प्लस की। नाम पढ़िए सर्वर का, टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। तो हर तरह से हमें एक ही बात समझ में आ रही है कि ये प्रोटोकॉल एक्सेस को कंट्रोल करता है। क्या करता है? एक्सेस को कंट्रोल। बेसिकली इस प्रोटोकॉल को बनाने के पीछे रीजन क्या था, बहुत सारे टर्मिनल्स थे पुराने टाइम में, जैसे यूनिक्स टर्मिनल हो गया। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं हम, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन हर बंदे को कंप्यूटर देती है, लैपटॉप देती है। अब उस लैपटॉप को कंपनी क्या चाहती है, जिस एम्प्लॉय को हमने दिया वही चला पाए, और कोई एम्प्लॉय ना चला पाए, यस और नो? इसलिए कंपनी क्या करती है, हर यूजर को एक यूजर नेम पासवर्ड देती है। एग्री? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग हियर। मैंने अपने लैपटॉप पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, एग्री? वो यूजर नेम पासवर्ड कहीं ना कहीं वेरीफाई होगा, यस और नो? कौन सा प्रोटोकॉल उस यूजर नेम पासवर्ड को मेरे लैपटॉप से सर्वर तक लेके जाएगा? कौन सा प्रोटोकॉल लेके जाएगा? देखो मैं आपको यहां पे ये बात ऐसे समझाता हूं, हम अपने डिवाइस को टेलनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेलनेट करने का मतलब हम तो लेयर सेवन प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर और राउटर के बीच में जो एक्सचेंज है वो किस पोर्ट पे चल रहा है, 23 पे। किस पोर्ट पे चल रहा है, यस और नो? चलो मैं अपने डायग्राम पे वापस जाता हूं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इस बात को। यूजर इज ट्राइंग टू टेलनेट द डिवाइस, यूजर ने राउटर के पास रिक्वेस्ट भेजी किस पोर्ट पे, किस पे? 23 पे, एग्री? लेकिन अब राउटर को यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, और राउटर को किससे बात करनी है, सर्वर से, यस और नो? सर्वर से, यस और नो? इसलिए हर एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं नेट डिवाइस, क्या बोलते हैं? तो राउटर इस केस में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हर एक नेट डिवाइस किससे कम्युनिकेट करेगा, ट्रिपल ए सर्वर से। उसे प्रोटोकॉल भी तो चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, क्या चाहिए? प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल कौन सा है, टेकैक्स। प्रोटोकॉल कौन सा है, टेकैक्स। देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं यूजर हूं, मैं इस राउटर का जीयूआई ले रहा हूं, जीयूआई लेने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एचटीटीपी, एग्री? मैं तो HTTP रिक्वेस्ट भेजूंगा राउटर के पास, लेकिन राउटर में हमने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि कोई भी यूजर आए अगर HTTP रिक्वेस्ट ले, उसको ऑथेंटिकेट किससे करना, ट्रिपल ए सर्वर से। तो अब राउटर क्या करेगा, मेरे यूजर नेम और पासवर्ड को ट्रिपल ए सर्वर के पास भेजेगा, कैसे भेजेगा, ट्रांसपोर्ट क्या यूज करेगा, क्या ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, ट्रिपल ए सर्वर। दिस थिंग इज क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को? टेकैक्स क्या एक ट्रांसपोर्ट है, क्या एक ट्रांसपोर्ट। तो ये टकैक्स के नोट्स हैं आपके लिए, आप यहां से टकैक्स पढ़ सकते हो। जितना मैं वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा आपको उतना ही पढ़ना है, और ये किताब अभी आपको नहीं मिलेगी, जब हम आई स्टार्ट करेंगे तब मिलेगी। सो डोंट आस्क फॉर दिस बुक, फाइन? ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो यू कैन रीड। अभी देखेंगे टकैक्स काम कैसे करेगा। कर दिया रिकॉर्ड, पढ़ लेना आप घर जाके, हम डिस्कस करते हैं अब। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है। लोगों ने वैसे एक हवा बना रखा है कि
टेकैक्स रेडियस मुश्किल प्रोटोकॉल है, दे आर वेरी इजी, आपको भी दिखाऊंगा, मोर देन इजी। ठीक है जी, देखिए हम भी एक बार बुक की खोल लेते हैं। ये यूजर है, ये स्विच है, ये राउटर है जिसको यूजर टेलनेट करेगा, और ये क्या है मेरा ट्रिपल ए सर्वर। क्या है ट्रिपल ए सर्वर, ठीक है जी। ट्रिपल ए सर्वर पे हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं डिवाइस की आइडेंटिटी। भाई तुम्हारे घर मेहमान आते हैं, मेहमान वही होते हैं ना जिनको तुम जानते हो, ऐसे पाजी मैं पहुंच जाऊं आपके घर शाम को, जी खाना खिलाओ, आपको कहे ना भाई तुम कौन, क्या लेना देना तुम्हारा, फाइन। सो फर्स्ट थिंग इज मेरे को ट्रिपल ए सर्वर को बताना पड़ता है कि कौन सा डिवाइस आपके साथ कम्युनिकेट करने वाला है, साथ ही साथ उस डिवाइस की आईपी क्या है जिससे वो कम्युनिकेट करेगा, जिससे वो कम्युनिकेट करेगा। अगर मैं अपने ट्रिपल ए सर्वर पे डिवाइस को डिफाइन नहीं करूंगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, मेरी रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएगी। इट इज मोर ओवर लाइक कि मेरे गेट पे कोई आता है, बेल बजाता है, मैं गेट खोलता हूं लेकिन मैं उसको जानता नहीं, तो डू आई अलाउ हिम टू एंटर इनटू माय हाउस, नो। क्लियर? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ट्रिपल ए सर्वर पे डिवाइस को ऐड करेंगे, क्लियर। दूसरा काम करेंगे हम यूजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे यूजर। यूजर बनाया, लेट से हमने टेस्ट पासवर्ड भी क्या दिया टेस्ट, फिर हम बताएंगे यूजर को हमें क्या एट्रीब्यूट पुश करने हैं। लेट से एट्रीब्यूट क्या डिफाइन किया मैंने, प्रिविलेज लेवल, क्या पुश किया प्रिविलेज लेवल, लेट से 5। और साथ ही साथ क्या डिफाइन करेंगे, कमांड सेट। कमांड सेट का मतलब है कौन सी कमांड वो यूजर चला सकता है, कौन सी कमांड वो यूजर। तो लेट से मैंने कमांड सेट डिफाइन कर दिया, डन। बस यूजर इज ओनली अलाउड टू रन टू कमांड्स, कौन सी, ठीक है जी। ये सारा काम मुझे ट्रिपल ए सर्वर पे करना होगा, जब ट्रिपल ए सर्वर शुरू करवाऊंगा तब बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फाइन। लेकिन अभी के लिए हमें टेकैक्स को समझना है, किसको समझना है, टेकैक्स। आपने राउटर को बताया भाई ट्रिपल ए सर्वर कौन है, लेट्स से आईपी एड्रेस क्या है 20.1, और आपने राउटर को बताया भाई जब भी कोई यूजर ऑथेंटिकेट हो या फिर क्या हो, ऑथोराइज हो, किसके पास जाना है, ट्रिपल ए सर्वर के पास, बता दिया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, यूजर सबसे पहले क्या करेगा, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक करने की कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। पैकेट भेजेगा किस पोर्ट पे, 23, किस पोर्ट पे, 23 पे। किस प्रोटोकॉल के लिए ट्रैफिक आया, टेलनेट के लिए आ गया, एग्री, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। राउटर क्या करेगा, एक टेकैक्स का पैकेट बनाएगा। अब आप बोलते सर टेकैक्स ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, यूडीपी यूज करता है, टीसीपी यूज करता है, क्या यूज करता है, पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 40, ये हम देख भी सकते हैं, यहीं कहीं लिखा होना चाहिए, पढ़ लीजिए सब लोग, टेकैक्स यूजेस टीसीपी पोर्ट 49 टू कम्युनिकेट बिटवीन टेकैक्स क्लाइंट एंड टेकैक्स सर्वर। तो ये राउटर को क्या बोल रहा है, टेकैक्स क्लाइंट, और इसको क्या बोल रहा है, टेकैक्स सर्वर। और ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहा है टेकैक्स। अब आप कहोगे सर क्या इसको ट्रिपल ए सर्वर नहीं बोलते, कुछ भी बोलो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट टेकैक्स सर्वर, यू कैन ऑल्सो कॉल इट ट्रिपल ए सर्वर। सही में तो ये क्या होता है, ACS, क्या होता है, आएंगे अभी उस पर भी। राउटर क्या करेगा, एक टेकैक्स का पैकेट भेजेगा किसके पास, सर्वर के पास,
कौन सा पैकेट भेजेगा? सबसे पहले तो क्या करेगा यार, थ्री वे हैंडशेक क्या करेगा, एक सेशन बना लेगा, क्या बना लेगा, सेशन, क्या बना लेगा, सेशन। सेशन बनाने के बाद तीन टाइप के मैसेज होते हैं टेक्स्ट में, स्टार्ट, रिप्लाई और कंटिन्यू। पहला मैसेज कौन सा है? स्टार्ट। दूसरा कौन सा है? रिप्लाई। और तीसरा कौन सा है? कंटिन्यू। राउटर क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले राउटर ट्रिपल ए सर्वर के पास स्टार्ट मैसेज भेजेगा। स्टार्ट का मतलब है यूजर वॉन्ट टू लॉग इन, एक यूजर आया है लॉग इन करने के लिए, एग्री, एक यूजर आया लॉग इन करने के लिए। ट्रिपल ए सर्वर कहेगा, वापस करेगा कौन से मैसेज, रिप्लाई। क्या कहेगा भाई, उससे पूछ उसका यूजर नेम क्या है, एग्री। यूजर यूजर नेम एंटर करेगा, लेट्स से उसने यूजर नेम क्या एंटर किया, टेस्ट। ये कौन सा मैसेज है, अब कौन सा मैसेज है, कंटिन्यू। ट्रिपल ए सर्वर चेक करेगा क्या यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फिर क्या पूछेगा, रिप्लाई करेगा भाई अब क्या बता, पासवर्ड, क्या बता, पासवर्ड। फिर कौन सा मैसेज आएगा, कंटिन्यू मैसेज, जिसमें क्या आएगा, पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड को किसमें चेक करेगा आपने, अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या कर देगा, ऑथेंटिकेट। अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या कर देगा, ऑथेंटिकेट। क्लियर? कोई डाउट किसी को इस प्रोसेस में, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो हमें ये याद रखना है टेक्स्ट के केस में जो हमारा यूजर नेम है और जो हमारा पासवर्ड है वो अलग अलग पैकेट में कैरी होगा, किसमें कैरी होगा, अलग अलग पैकेट में। क्लियर? टेक्स्ट का पेलोड गाइस एनक्रिप्टेड रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन हम उसको डिक्रिप्ट करके देखेंगे। एनक्रिप्ट कैसे होता है तब डिस्कस करूंगा जब पेलोड दिखाऊंगा, अभी समझाने की कोई नीड नहीं है भाई। थ्री वे हैंडशेक हो गया, थ्री वे हैंडशेक होने के बाद, सेशन बनने के बाद टेक्स्ट का पहला पैकेट जाएगा, कौन सा पैकेट है, वो स्टार्ट। ठीक है जी, हमेशा याद रखना स्टार्ट पैकेट नेट डिवाइस भेजता है, डिवाइस मतलब जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, और जो रिप्लाई पैकेट होता है हमेशा कौन भेजेगा, ट्रिपल ए सर्वर। कंटिन्यू मैसेज स्टार्ट के बाद जितने भी मैसेजेस आपका नेट डिवाइस भेजेगा वो क्या होंगे, कंटिन्यू। हम पढ़ते हैं अब इसको, दिस पैकेट इज यूज्ड टू बिगिन द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट बिटवीन ट्रिपल ए क्लाइंट एंड ट्रिपल ए सर्वर। व्हाट इज रिप्लाई मैसेज, मैसेज सेंट फ्रॉम ट्रिपल ए सर्वर टू, व्हाट इज कंटिन्यू मैसेज, मैसेज फ्रॉम ट्रिपल ए क्लाइंट यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू फॉर यूजर नेम एंड। सब लोग देखिए, स्टार्ट का मतलब क्या है, यूजर ट्राइंग टू कनेक्ट, कौन सा मैसेज भेजा ट्रिपल ए सर्वर ने, सब लोग देखो ना, विच मैसेज ट्रिपल ए सर्वर इज सेंडिंग, रिप्लाई, रिक्वेस्ट, यूजर नेम। उसने कंटिन्यू मैसेज भेजा और क्या बताया अपना, यूजर नेम। उसने फिर रिप्लाई भेजा, रिक्वेस्ट, पासवर्ड, फिर उसने क्या बताया, पासवर्ड, फिर उसने बताया कि ऑथेंटिकेशन पास हुई या फेल। थोड़ा और डीप शीट में जाऊंगा, रिप्लाई मैसेज चार टाइप का होता है। अब एक बात बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंसर्न, यहां यूजर ने रिक्वेस्ट किया हो, ट्रिपल ए सर्वर ने रिक्वेस्ट किया यूजर ने, सब समझ पा रहे हो ना, मुश्किल तो नहीं है, उर्दू से तो बात है यार, बताओ किसी को मुश्किल लग रही है तो और मन कर देंगे, छोड़ दो ना वाली बात। देखो, ट्रिपल ए सर्वर ने रिप्लाई भेजा, कब है यूजर ने बता दो, ठीक है, आपका नाम क्या है, तो इन्होंने अपना यूजर नेम बताया, वो ट्रिपल ए सर्वर पे नहीं था क्या, वो फिर पासवर्ड मांगेगा, यस और
ना नेट डिवाइस को यूजर एग्जिस्ट है, ये तो हमने देखो आइडल केस पढ़ लिया कि यूजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। केस पहला मैंने क्या लिया कि यूजर ही एग्जिस्ट है, दूसरा मैंने क्या केस क्या लिया पासवर्ड यूजर ने सही एंटर नहीं किया, फिर क्या आएगा रिप्लाई मैसेज में पास, ठीक है। तो रिप्लाई मैसेज में एक रिटर्न कोड आता है, क्या आता है वो कितने तरह का होता है, पहला होता है पास, दूसरा होता है फेल, तीसरा होता है कंटिन्यू, तीसरा होता है कंटिन्यू। पास तो समझ में आ गया आपको कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ठीक है तो पास, अगर यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है पासवर्ड गलत टाइप कर दिया तो फेल। कंटिन्यू का क्या मतलब है, देखो जो रिप्लाई मैसेज आएगा ना रिप्लाई मैसेज में कोड आएगा वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि तो प्रोसेस क्या है भाई कंटिन्यू चल रहा है ना, प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। मैं क्या बता रहा हूं आपको, सब लोग देखिए इधर, इस रिप्लाई मैसेज में जो टाइप होगी वो क्या होगी कंटिन्यू, इस रिप्लाई मैसेज में भी जो टाइप होगी वो क्या होगी, जैसे इस रिप्लाई मैसेज में जो टाइप आई है वो क्या आई है पास, या फिर क्या आ सकती है फेल, क्लियर। तो रिप्लाई मैसेज चार टाइप का होता है, तीन टाइप मैंने आपको बता दी, पास फेल और कंटिन्यू, सबको समझ में आया। और एक होता है एरर, ये देखो एक्सेप्ट का मतलब पास, रिजेक्ट का मतलब फेल, कंटिन्यू बता दिया, और एक मैसेज और है एरर। देखो ये आज तक तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है जी, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा मेरे को समझ में नहीं आया देखो यार ज्यादा, ना ही मैंने कभी ऐसा देखा है किसी को कौन सा कोड मिल रहा हो एरर, तीन ही तरह का कोड मिलता है पास फेल या कंटिन्यू, लेकिन जो कोड प्रेजेंट है वो कितने हैं, क्या पास फेल कंटिन्यू और एरर के बारे में पढ़ते हैं, उसने क्या लिखा हुआ है, एन एरर अकर्ड एट ट्रिपल ए क्लाइंट विल टिपिकली अटेम्प्ट टू और अटेम्प्ट, ठीक है जी, तो ही स्टिल नॉट एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन अ गुड मैनर, तो हम एरर को तो हमें पता होना चाहिए जो आपका रिप्लाई आ रहा है वो तीन तरह का हो सकता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट और कंटिन्यू, ठीक है जी। कंटिन्यू का मतलब है प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, पास का मतलब है यूजर ऑथेंटिकेट हो गया, और रिजेक्ट का मतलब है यूजर ऑथेंटिकेट नहीं। डन भाई, कोई दिक्कत किसी को, लेकिन याद रखना हमेशा सबसे पहले कौन सा मैसेज आता है, स्टार्ट ट्रिपल ए सर्वर का भेजता है रिप्लाई, फिर यूजर का भेजता है कंटिन्यू, कौन सा मैसेज भेजता है कंटिन्यू, दिस थिंग इज क्लियर। अब जितने लोगों को समझ में आया उनको ये बात भी समझ में आएगी, जितना कम्युनिकेशन यहां चल रहा है यूजर और राउटर के बीच में, दैट इज एक्चुअली गोइंग ऑन विच पोर्ट, पोर्ट बिकॉज वो ट्रैफिक किसका है, यस और नो, लेकिन जितना कम्युनिकेशन राउटर और ट्रिपल ए सर्वर के बीच में चल रहा है दैट इज गोइंग ऑन विच पोर्ट 40, सबको समझ में आई ये बात, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। एक और एग्जांपल दूं, हम मैंने क्या किया इस राउटर में कंसोल केबल अटैच की, तो जब मैं डिवाइस पर कंसोल केबल लगाता हूं, मैंने कोई प्रोटोकॉल भी नहीं चलाया, लेकिन मैंने अपने डिवाइस को बोला हुआ है कि कोई कंसोल के थ्रू भी एक्सेस करे ना, तो ऑथेंटिकेट किससे करियो, ट्रिपल ए सर्वर से, क्लियर। तो जरूरी नहीं है यहां कोई प्रोटोकॉल हो, वी आर टॉकिंग अबाउट डिवाइस एक्सेस, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डिवाइस को एक्सेस करने के कितने तरीके हैं, दो, एक फिजिकली और दूसरा रिमोटली। तो जैसे भी अपने डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो, हमेशा डिवाइस क्या करेगा, एक प्रोटोकॉल यूज करेगा, ट्रांसपोर्ट यूज करेगा जिसका नाम है टकैक्स, और उस प्रोटोकॉल के थ्रू किससे कम्युनिकेट करेगा, ट्रिपल ए सर्वर, सबको समझ में आई ये बात। और भाई
हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को टैक्स को समझने में? अब ये बात रही ऑथेंटिकेशन की, टैक्स प्रोटोकॉल के अंदर ऑथोराइजेशन के लिए अलग मैसेजेस हैं। ऑथोराइजेशन का क्या मतलब है? यूजर ऑथेंटिकेट हो गया, अब मैंने आपको क्या बताया था, ऑथेंटिकेट होने के बाद टैक्स सर्वर क्या देगा यूजर को? प्रिविलेज लेवल। क्या देगा? प्रिविलेज लेवल, यस और नो? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइस ऑथोराइजेशन। सबसे पहले क्या होता है? यूजर ऑथेंटिकेट, और उसके बाद क्या होता है? ऑथोराइज। ऑथोराइज होने का मतलब है हम यूजर को क्या पुश करेंगे? एक प्रिविलेज लेवल। तो ऑथराइजेशन के लिए हमारे पास टकैक्स में दो मैसेजेस हैं। क्या कौन से मैसेजेस हैं? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जैसे यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, राउटर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? कि भाई यूजर के लिए क्या दो मुझे? प्रिविलेज लेवल। तो ट्रिपल ए सर्वर कौन सा मैसेज देगा? रिस्पॉन्स। कौन सा मैसेज देगा? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स मैसेज में क्या देगा? प्रिविलेज लेवल। डन। अब उसके बाद यूजर कमांड टाइप करेगा। क्या टाइप करेगा? कमांड। लेट से यूजर ने कमांड टाइप करी शो आईपी राउट, तो राउटर क्या करेगा? वो कमांड किसके पास भेजेगा? रिक्वेस्ट पैकेट बनाएगा। किसके पास भेजेगा? शो आईपी राउट। ट्रिपल ए सर्वर के पास। ट्रिपल ए सर्वर बताएगा रिस्पॉन्स पैकेट में कि इस यूजर को एक कमांड चलाने देना है या नहीं देना। इस थिंग इज क्लियर? तो हमारे पास टकैक्स के केस में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए जो मैसेजेस हैं वो कौन से हैं? स्टार्ट, रिप्लाई और कंटिन्यू। और ऑथराइजेशन के लिए जो मैसेज है वो कौन से हैं? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्लियर? सबसे पहले क्या होता है? राउटर और ट्रिपल ए सर्वर के बीच में थ्री वे हैंडशेक होता है, बिकॉज टेकैक्स इज अ टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है जी? किस पोर्ट पे? पोर्ट नंबर 49। कोई प्रॉब्लम? नहीं। चले आगे। हाँ जी, तो ट्रिपल ए सर्वर में तीन ए है। पहले ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, सेकेंड ए स्टैंड्स फॉर, थर्ड ए स्टैंड्स फॉर अकाउंट। एक एग्जांपल लेते हैं। अब अकाउंटिंग क्या है? ऑथोराइजेशन तो सबको समझ में आ गया कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस आई वांट टू गिव टू द यूजर, और ऑथेंटिकेट करने का मतलब है कि वो एक लेजिटिमेट यूजर है भी या नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हो? ठीक है जी, डन। आपने सबसे पहले बैंक में अकाउंट खुलवाया, बैंक ने आपको क्या दे दिया? एक एटीएम कार्ड। बैंक ने आपको क्या दे दिया? एक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब मुझे क्रेडिट कार्ड को यूज करना है, एग्री? मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, मैं शॉपकीपर को क्या दूंगा? क्रेडिट कार्ड दूंगा। शॉपकीपर मुझसे क्या पूछेगा? पिन। पिन का मतलब क्या? वो ऑथेंटिकेट कर रहा है कि ये क्रेडिट कार्ड मेरा है या नहीं। कर लिया, पिन डालते ही मैं पैसे निकाल पाऊंगा, यस और नो? तो मैं ऑथेंटिकेट हो गया। अब लेट से मेरे क्रेडिट कार्ड की या फिर मेरे डेबिट कार्ड में 5,000 रुपए पड़े हैं, कैन आई डू शॉपिंग फॉर मोर देन 5,000? बताइए, कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही कितने हैं। इसका मतलब बैंक मुझे ऑथराइज भी कर रहा है कि मैं इतने ही पैसे खर्च सकता हूं, यस सर नो? ओके। किसी ने कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया? क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है? आपको एक लिमिट मिल जाती है। क्या मिलती है? लिमिट, कि आप इतने पैसे एक महीने में खर्च कर सकते हो। फाइन, तो बैंक ने मेरे को एक लिमिट दे दी 1,00,000 रुपए। तो क्या मैं 1,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकता हूं? तो मैं कितने पैसे खर्च करने के लिए ऑथराइज हूं? 1,00,000। एग्री?
तीसरी बात, बैंक एक डिटेल बना के रखता है अपने पास कि आपने कहां कितने पैसे खर्च किए। यस सर नो, आप एक महीने बाद कह दो मैंने तो खर्चे नहीं किए। बैंक कहेगा ये देखो इस दिन रात को 12 बजे इस वाइन शॉप पे आपने इतने का स्वाइप किया था। फाइन, सो ये दिस थर्ड थिंग इज कॉल्ड अकाउंटिंग, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ अ यूजर, कीपिंग। अब एग्जांपल लेते हैं, अपने डायग्राम पे चलते हैं। एक यूजर को मैंने कौन सा प्रिविलेज लेवल दिया था, 5, कौन से कमांड चलाने का एक्सेस दिया था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी राउट। लेट से मैंने उसको कॉन्फिग का एक्सेस दे दिया और इंटरफेस कमांड चलाने का भी एक्सेस दे दिया और इसने किसी इंटरफेस को शट मार दिया जिसकी वजह से नेटवर्क डाउन हो गया। जिसकी वजह से नेटवर्क क्या हो गया, हाउ विल आई विल गेट टू नो इस इंटरफेस को शट किस पे किया, विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम। अकाउंटिंग का मतलब होता है कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ यूजर, जैसे बैंक आपका रिकॉर्ड रखता है कि आपने कितने पैसे कहां खर्च किए। This thing is clear. Accounting के लिए भी दो messages होते हैं, request और response आने वाले time में देखेंगे. Fine. तो guys अब हम किस पे चलते हैं? ACS. ACS stands for. ठीक है जी. इसको हम triple A server भी बोलते हैं. कई लोग इसको रिमोट सर्वर भी बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर भी बोलते हैं, ऑथराइजेशन सर्वर भी बोलते हैं। वो नहीं होता घर में नया नया बच्चा पैदा होता है जिसका जो दिल करता है वही बुला लेता है, तो जैसे आपको याद रहे। फाइन, एसीएस के दो प्लेटफॉर्म्स हैं। फाइन, पहला है fold.xseries, दूसरा है हम पढ़ेंगे 5.5। ठीक है जी, दूसरी बात, सेकंड थिंग, ACS दो प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, रेडियस प्लस टेकैक्स प्लस, वो प्लस एंड का काम कर रहा है। ठीक है जी, रेडियस एंड टेकैक्स प्लस। फाइन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है जी, अब आप कहोगे सर ये ACS दिखता कैसे, हमने राउटर स्विच तो देखे हैं। ये भी तो क्वेश्चन आता है ना। तो सिस्को ACS दो तरीके से बेचता था। आज के टाइम में सिस्को ने ACS को क्या कर दिया, EOL, EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ। सिस्को कहता है अगर तुम अपने नेटवर्क में ACS यूज करोगे तो मैं कोई सपोर्ट नहीं दूंगा क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को बेचता अब नहीं हूं। अब आप कहोगे सर फिर आज के टाइम में क्या यूज करते हैं हम रियल टाइम सिनेरियोस में, आइस। देखो आपने जो आइस देखी है वो ये वाली है, दिस इज डिफरेंट, इट स्टैंड्स फॉर इंजन। ठीक है जी, तो अब आपको सर फिर हम ACS पढ़ ही क्यों रहे हैं जब सिलेबस में नहीं है। आइस को समझने के लिए ACS पढ़ना जरूरी है। आगे चले, अब हम बात कर रहे थे कि ACS की सर्विस हम कितने तरीके से सिस्को से ले सकते हैं। तो सिस्को क्या करता है, एक तो बॉक्स देता है आपको, बॉक्स। अब ACS क्या एक सर्विस है यार, क्या एक सर्विस, क्या मुझे ACS डिवाइस से ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है? नहीं, मतलब ACS तो एक एंड डिवाइस की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया, जैसे मेरा कंप्यूटर है, जैसे क्या है मेरा कंप्यूटर वैसे ही क्या हो गया ACS, जिस पे डेटाबेस रहेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, किसी भी राउटर को ऑथेंटिकेट या ऑथराइज करना होगा, वो किसके पास आएगा, ACS के पास। तो ACS से मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड तो कराना नहीं है, यस और नो? इसका मतलब ACS पे मल्टीपल पोर्ट्स की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ACS पे मल्टीपल पोर्ट्स की तो रिक्वायरमेंट है। कितने पोर्ट होंगे, एक। मैं दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, ACS एक सर्विस है, क्या एक सर्विस। तो सिस्को क्या कहता है, या तो तुम मेरे से सिर्फ सर्विस ले लो, सर्विस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो और अपने सर्वर
डाल लो, अपना सर्वर खरीद लो, उस पे इंस्टॉल कर लो, या फिर वो सर्वर में उससे ले लो। सीधी सी बात है, देखो कई लोग गाड़ी लेने जाते हैं, नई नई गाड़ी खरीदेंगे, साथ ही साथ अलार्म भी लगवा लेंगे चमकने वाले, क्योंकि पैसे हैं उनके पास भाई। अब हम जैसा आदमी मार्केट में गाड़ी लेने जाएगा, यार कम कर लो यार कुछ, यार 10,000 तो कम कर दो यार, वो कहेगा एसेसरीज ले लो, नहीं नहीं 1,00,000 की एसेसरीज मैं नहीं लूंगा, कम कर लो भाई। ऐसे ही मार्केट में दो तरह के कस्टमर होते हैं, अब से इसको ढूंढता है कौन से वो कस्टमर है जिनको अलॉय व्हील चाहिए, उनको डब्बा भी बेचो, वरना तो नॉर्मल आदमी क्या खरीदता, सिर्फ सर्विस, और सर्वर खरीद के उस सर्वर का वो सर्विस डाल देता। क्या है, आप लोगों को ना भी वर्चुअलाइजेशन के बारे में पता नहीं है, वर्चुअलाइजेशन एक अलग फील है जो आजकल मार्केट में चल रहा है भाई, लेना मत उसे, इट विल बी वेरी हार्ड टू टैकल इट। फाइन, कंसर्न क्या, देखो मैं आपको समझाता हूं। सिस्को ने एक सर्वर बनाता है जिसका नाम है यूसीएस, क्या नाम है, यूसीएस एम सीरीज, इनको हम गाइस ब्लेड सर्वर्स बोलते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना हमारा टॉपिक बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा, हम वर्चुअलाइजेशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। ये ब्लेड सर्वर्स होते हैं, आप नीचे हमारे पास सीसीआई डेटा सेंटर की रैक है भाई, वहां देख सकते हो आप, इतने बड़े बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं, इतनी लेंथ होती है उस सर्वर की, और वो रैक में लग जाते हैं, माउंट हो जाते हैं, ठीक है जी। उन सर्वर्स में मेमोरी कितनी होती है, लाइक 2 TB हार्ड डिस्क होगी, 256 GB रैम होगी, 8 प्रोसेसर होंगे, 5 फैन होंगे, मतलब दे आर द सर्वर्स हु आर बिल्ट टू रन बिग सर्विसेज, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, उस सर्वर पे क्या इंस्टॉल कर देंगे, ACS। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ACS आप डायरेक्टली सर्वर में कैसे डाल दोगे, नहीं खेल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो गेम को नहीं समझता, यस सर नो, तो हम गेम एक्चुअली लैपटॉप पे नहीं खेल रहे, विंडोज पे खेल रहे हैं। उस गेम के साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा है, विंडोज, और विंडोज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, यस सर नो। क्या GNS तुम लैपटॉप पे चला सकते हो, नहीं। GNS किस पे चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो सिमिलर बात मैं कर रहा हूं, मेरे को एक सर्विस चलानी है, सर्विस के लिए बेस में क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या चाहिए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है ESXi। 2-3 बार बोल लेना वरना कुछ और ही याद रह जाएगा। ठीक है जी, मार्केट में आज के टाइम में कौन सा चलता है, 6.0। देखो यार, 2 तरह के डिवाइसेस होते हैं, हमने ना आज तक लैपटॉप ऐसा खरीदा है, मार्केट में जाते हैं यार ज्यादा रैम और ज्यादा प्रोसेसिंग वाला लैपटॉप दे दे, वो बंदा हमारे सामने लैपटॉप दिखा लेके आता है, बोलता है भाई ये 90,000 रुपए का है, इस पर मैं आपको ये चीजें दूंगा, क्लियर। दूसरा क्या तरीका होता है, मैं एक लैपटॉप लो जिसपे कुछ भी ना हो, नथिंग, सिर्फ वो क्या है, हार्डवेयर। अब मेरी मर्जी है मैं उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डालना चाहता हूं, क्लियर क्लियर। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि भाई अगर मुझे कोई भी सिस्को से खरीदी हुई सर्विस चलानी है सर्वर पे, तो सर्वर पे पहले क्या होना चाहिए, एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कभी भी सर्विस हार्डवेयर पे नहीं चलती, किस पे चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। चलो मैं आपको एक जादू दिखाने की कोशिश करता हूं, तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं ये मेरा सर्वर है, ठीक है जी, रूट, पासवर्ड थोड़ा बताऊंगा, तुमने एक्सेस कर लोगे,
ठीक है जी। थोड़ा सा स्लो है आपका इंटरनेट, सर्वर नहीं है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरर कौन है? मॉडल क्या है? यूसीएस सी सीरीज 240 M4S, ठीक है ना? सर पे चढ़ गया यार ये तो। रुक जाओ एक बार, छोटा हो जाए थोड़ा सा। आपको वर्चुअल मशीन्स दिख रही हैं? देखो सर्वर पे मैंने कितनी सारी आइस डाल रखा है, एफएमसी डाल रखा है, दिख रहा है? तो सर्वर पे मैंने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डाला हुआ है? ESX है, और उसके ऊपर ये सारी सर्विसेज चला रहा हूं मैं, ठीक है जी। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। कैसा नहीं होता है, बॉक्स खरीदा और बॉक्स पे डायरेक्टली सर्विस चला दी। सर्विस को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करते हैं? ESXi। तो आपको ये भी बता देता हूं, लेट्स से अगर आप कभी सिस्को के पास जाते हो और कहते हो मुझे ACS खरीदना है। अब आप लोग ACS तो सिस्को बेचता ही नहीं है, पुराने टाइम की बात करते हैं। तो सिस्को क्या करता है, एक M सीरीज का सर्वर लेता है, उस पर ACS डालता है। ACS डालने का मतलब पहले क्या डालता है, फिर उस पर क्या डाल देता है, और वो आपको बेच देता है। आपके पास ऑप्शन क्या है? आप अपना एक सर्वर खरीद लो मार्केट से, सिस्को से क्या ले लो, ACS सॉफ्टवेयर, इस पे क्या डाल लो और उसके ऊपर क्या चला लो, सर्विस। उसके ऊपर क्या चला लो, सर्विस। क्लियर क्लियर, सबको समझ में आई ये बात? अब हम क्या करेंगे गाइस, आपको दिख रहा है ACS 5.5 पड़ा हुआ है, तो मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है सिर्फ आपके लिए। राइट क्लिक करके मैनेज पे जाके डिलीट फ्रॉम डिस्क कर दिया डिलीट। बज रहा फोन, फोन बज रहा है, डन। हम एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, मैंने डाला कहाँ हुआ ये वर्चुअल मशीन्स, यहाँ आपको ये दिख रहा है ACS नहीं है, यहाँ दिख रहा है, नहीं पढ़ा तो है ना, बस ठीक है ठीक है। ये रहा ACS है मेरे पास। कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडोज के ऊपर आपके पास VMware वर्कस्टेशन होना चाहिए। अब क्या है देखो, विंडोज खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लेकिन ये क्या बोलते हैं इसको, आई क्या बोलते हैं, ACS, ACS भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, एक टूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं VMware वर्कस्टेशन। क्या यूज करते हैं, अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, VMware वर्कस्टेशन। तो मैंने अपने इस लैपटॉप में VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया हुआ है, फाइन। उसके ऊपर मैं क्या डालूंगा, ACS। क्या डालूंगा, ACS। आपको डाल के दिखा देता हूं कैसे डालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, VMware इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने में नेक्स्ट 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 करना होता है और कुछ नहीं करना। हाँ और क्या है, जो सच बात है। हाँ जी, VMware वर्कस्टेशन में आए, फाइल पे क्लिक किया, किस पे क्लिक करोगे, न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है जी। नेक्स्ट, टिपिकल पे रहने देना, कस्टम पे मत जाना। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मैं बाद में बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन।
कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैंने बोला लिनक्स बेस्ड है, उबंतु। टाइप क्या है? उबंतु। विजिबल है सबको? फिर किस पे क्लिक किया? नेक्स्ट। कह रहा नाम क्या रखना है? हाँ जी, क्या नाम रखे? 5.5, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं उसको, इसका। ये लोकेशन कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो? तो जिन लोगों के लैपटॉप में प्रॉब्लम है कि विंडोज थोड़े थोड़े टाइम बाद उड़ जाती है, वो प्लीज इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल ना करें। किस ड्राइव में इंस्टॉल करें? डी ड्राइव में। क्लियर? मैं तो सी में ही करूंगा, मेरी उड़ती नहीं भाई। ACS 5.5, नेक्स्ट। अब हार्ड डिस्क कितना देना चाहते हो आप इस वर्चुअल मशीन को? अब ऐसा नहीं है कि यहां पे अगर मैं 500 GB लिख दूंगा तो 500 GB एलोकेट हो जाएगी। वो होता है ना, देखो दिखावा, कि इसको लगे इसको इतनी हार्ड डिस्क मिल गई है, ये यूज उतनी ही करेगा जितनी जरूरत होगी, जितनी। दिस थिंग इज क्लियर? तो मैंने 200 GB दे दी इसे और क्लिक कर दिया स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, फिनिश। तो आप सब लोग यहां देखोगे ACS 5.5 आ गया है मेरे पास। क्लियर? अब मैं क्लिक करूंगा एडिट वर्चुअल मशीन पर। इसको रैम कितनी दी हुई है? 1 GB। इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैं इसको रैम दे देता हूं 4 GB, कि जल्दी इंस्टॉल हो जाए, बाद में कम कर दूंगा। जब सर्विस रन करूंगा तब कम कर दूंगा। इंस्टॉलेशन के टाइम पे कितने दे दूंगा रैम? आपने ऐसा देखा है ना, अगर आपके लैपटॉप में हार्डवेयर यू कैन से, अगर आपके लैपटॉप का हार्डवेयर ज्यादा है, ज्यादा मतलब आपके पास रैम ज्यादा है, हार्ड डिस्क ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपके पास हार्ड डिस्क और रैम कम होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो वैसे ही मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसका नाम क्या है? ACS। किस पे? VMware वर्कस्टेशन पे। तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन मैं इसको रैम क्या दे देता हूँ? ठीक है जी, हार्ड डिस्क तो मैंने 200 GB दे ही दिया। CD किस पे क्लिक करूंगा? यूज ISO इमेज फाइल, क्लिक किया, ब्राउज, कहां पड़ी है मेरे पास? ई में, ये रही, ओपन। नेटवर्क एडाप्टर अभी हम नहीं छेड़ रहे, फाइन। वैसे मैं कस्टम पे आ जाता हूं और मैं इसको दे देता हूं VM10। क्या दे देता हूं? VM10। किस पे क्लिक किया? ओके। तो सबसे पहले उबंटू की मशीन बनाई, दूसरा काम रैम डिफाइन की, तीसरा काम ISO फाइल बताई उसको कहां पड़ी है लैपटॉप में। अब क्या करना है? पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? जब आप यहां क्लिक करोगे तो आपको कर्सर नहीं दिखेगा। कर्सर दिख रहा है जी? ठीक है जी, अगर आपको बाहर आना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल और ऑल्ट। आ गया कर्सर? समझ में आया सबको? मैं जब भी यहां क्लिक करूंगा क्या नहीं होगा मेरे पास? कर्सर। मेरे को बाहर आना है तो क्या प्रेस करना है? कंट्रोल ऑल्ट। आ गया बाहर। अब क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन सिस्को सिक्योर ACS 5.5 इंस्टॉलेशन कीबोर्ड और मॉनिटर के थ्रू, और दूसरा सीरियल कंसोल के थ्रू। मैं किसके थ्रू कर रहा हूं? कीबोर्ड और मॉनिटर के थ्रू। Yes or no? तो मैं क्या प्रेस करूंगा यहां? One. ठीक है जी, एंटर। हो रहा इंस्टॉल यार? इट इज मोर ओवर लाइक एक विंडोज डल रही है, बताया तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। ठीक है जी, मैं इंस्टेड ऑफ एक सर्वर पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊं, मैंने VMware डाल रखा है। VMware का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर डिवाइस पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल सर्विसेज एक साथ चला सकते। मैं तभी कह रहा हूं आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप VMware पे ACS डाल के चला लेना, आप खुश हो जाओगे उसी में। क्या बोल रहा है? रनिंग अभी आएगा, इसमें से निकलेगा।
हो रहा है इंस्टॉल, ऑल ऑफ यू कैन सी, तो पूरी इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड करूं, रिज्यूम किया, क्या लिखा हुआ है, प्रेस प्लीज टाइप सेटअप। हाँ भाई नाम क्या देना है, ACS, IP क्या देना है, मैं ये सोच रहा हूं मैंने 112 IP किसी और को तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। चलो अब आपको सर 150 का सबनेट को यूज कर रहे हो, मेरे VM में जितने डिवाइसेस है ना सब पे IP के सबनेट किया है 150 के सबनेट। यार देखो मैं अब यहां पे एक आईपी ले लूं 182.168 का को भूल जाऊं क्या फायदा, एग्री? तो सबसे पहले तो हमको फिर ये देखना पड़ेगा आईपी चेंज कैसे करते हैं, यस और नो? तो मैंने सारे डिवाइसेस को जस्ट मेक दिस प्रैक्टिस, इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, क्या VM पे जितना डिवाइसेस डालोगे सबकी आईपी एक ही सबनेट की हो, सबकी आईपी एक ही सबनेट की हो। मैं यूज करता हूं 150.1.7.0 क्योंकि लैब में भी यही है, fine, in the lab also you will get same subnet 150.1.7.0 for management purpose, gateway kya rakhenge, DNS domain cisco.com, primary name server, DNS server matlab mera gateway mera DNS server hai, no NTP enter, Add another NTP server, no. Enter system time zone, UTC. Time zone के बारे में पता है? यहाँ पे enter कर देना. ठीक है जी हाँ. Enable SSL service for ACS, yes. Enter username. Admin ही user है? हाँ भाई admin ही है. करे password enter करो. C capital ISC0 @123 याद रखना, मैं भूल जाता हूं। Bringing up network interface, interface कितने हैं इस पे, एक, उसी पे रिक्वेस्ट आएगी उसे रिप्लाई कर देगा, दो इंटरफेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि हमें इससे कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करवाना। मैंने आपको बताया था ना ACS क्या है, एक तरह का एंड डिवाइस ही तो है। अब लेट से कोई राउटर है दूसरे नेटवर्क में लगा हुआ है, उसको ACS से बात करनी है, वो ACS के पास आएगा, ACS के पास गेटवे होगा, ACS अपने गेटवे पर रिप्लाई कर देगा और ट्रैफिक उस डिवाइस के पास पहुंच जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? गेटवे को पिंग करके देखेगा लेकिन पिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि गेटवे एग्जिस्ट ही करेगा अभी थोड़ी देर में। कर्सर नहीं है यहाँ, याद रखना, कंट्रोल ऑल्ट, रिकॉर्ड ना किया तो एंटर, डू नॉट यूज, अभी आपको CLI एक्सेस मिल जाएगा, CLI एक्सेस मिलते ही मैं क्या करूंगा, इसका SSH ले लूंगा क्योंकि ये तो ब्लैक स्क्रीन देखना मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए। देखिए मैं चाहूं तो लॉगिन यहां से भी कर सकता हूं पर करके नहीं दिखा रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, पिंग करके देखेंगे किस आईपी को जो हमने ACS को असाइन किया। अब आपको सर आपके लैपटॉप से कैसे पिंग हो जाएगा, आप ध्यान से समझना, ये मानो ये मेरा लैपटॉप है, ये लो बड़ा कर देता हूं,
ठीक है, इस लैपटॉप पे मैंने VMware इंस्टॉल किया हुआ, ये VMware है, ठीक है। VMware के अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, उसको नाम क्या दिया हुआ मैंने, ACS। इस ACS मशीन को मैंने एक अडप्टर असाइन किया था आपके सामने, VM10, ठीक है। ये अडप्टर क्या है, एक स्विच है, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल स्विच, क्या बोलते हैं, डन, क्लियर। ये वर्चुअल स्विच या फिर ये अडप्टर मेरे लैपटॉप से भी कनेक्टेड है और ACS से भी, एग्री। मेरे लैपटॉप पे आईपी रहेगा 150.1.7. लेट से 10, ACS पे आईपी क्या है, बात खत्म। VM अडप्टर एक वर्चुअल स्विच है जो मैंने साइन कर दिया, एग्री। दिखाओ अपने लैपटॉप पे, कौन सा अडप्टर है, VM10, क्या आईपी कर दिया मैंने अपना, 7.10, ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। और सेम वीएम अडैप्टर मैंने किसको दे रखा है, ACS को, दिखाऊं, यहां आ जाओ, राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, कौन सा दे रखा है, वीएम, डन। अब किसी के लैपटॉप में अगर VM10 आई ना रहो, ठीक है जी, तो क्या करना है, पहले अडप्टर क्रिएट कर लेना, कैसे, ACS डालने से पहले, ठीक है जी, फाइल, सॉरी, एडिट, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, आ गया ऑप्शन, किस पे क्लिक करूंगा, चेंज सेटिंग, एड नेटवर्क, कर लोगे ऐड, लेट से मेरे को VM13 ऐड करना है, 12 ऐड कर देता हूं, टाइम लेता है यार, और वो कुछ नहीं है, हो गया ऐड, ठीक है जी, बना दिया एक और वर्चुअल स्विच या फिर VM अडप्टर बोल लो आप, क्या बोल लो, VM अडप्टर। तो आपको फंक्शनिंग तो समझ में आई गई, VM अडप्टर पे, देख यार मेरे को अपने लैपटॉप पे से तो किसको हिट करना है, सिर्फ ACS को, तो गेटवे चाहिए ही क्यों, वट एवर आईपी, कुछ भी दे सकते, उसी सबनेट की, ठीक है जी। सबसे पहला काम किया, पिंग करके देखना, 150.1.7.112 हो रहा है पिंग, यहां से लॉग इन करके दिखाऊं, मिल गया एक्सेस, प्रिविलेज मोड है, कौन सा मोड है, कौन सा मोड है, सेम CLI है जैसे राउटर का होता है, स्विच का होता है, दिखने में सेम है, बस धोखा, कहाँ चलते हैं, उठी नहीं है मेरे पास, सिक्योर CRT है, हाँ जी, IP क्या है, तुम्हारी वहां की आंख, हाँ जी, देखिए 150.1.60.112 SSH कर रहे हैं, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड C capital IS C0@123,
मिल गया एक्सेस, एडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं इसी का, 5.5 5.x ही यूज कर रहे हैं, यस सर नो, होस्ट नेम क्या दिया था, शो इंटरफेस, एक इंटरफेस है इस पे, वो कौन सा होता है गिग, क्या आईपी उस इंटरफेस पे 112, ये सबनेट मास्क क्या है और ये उस इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस है और ये उस इंटरफेस का मैक एड्रेस है, क्या है मैक एड्रेस, क्लियर क्लियर। अब एक नई कमांड आप सब लोगों के लिए, शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS, ये कमांड क्या बताएगा कि ACS पे कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो आपके सामने है देखिए, डेटाबेस सर्विस रनिंग है, मैनेजमेंट सर्विस रनिंग है। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, पढ़ो क्या लिखा, कैन आई टेक जीओ एक्सेस ऑफ द डिवाइस और नॉट, तो क्या लिखा हुआ सर्विस में, इट मींस आई कैन टेक। याद रखना जब भी आप ACS को स्टार्ट करोगे, ACS विल टेक सम टाइम टू मेक द सर्विस रनिंग, कम से कम कितनी देर, 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद स्टार्ट होने के आपको GUI मिलेगा, फाइन। शो रन, डोमेन नेम क्या डिफाइन किया था, गिग इंटरफेस पे आईपी क्या है दिख रही है, नेम सर्वर मतलब डिफॉल्ट गेटवे, क्लोज जोन टाइम जोन क्या दिया था यूटीसी, यूजर नेम क्या बाय डिफॉल्ट और ये पासवर्ड का क्या है, ये रोल क्या होता है आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। SSL सर्विस क्या है, ये पता क्यों दिखा रहा हूं कि तुम्हें कमांड पता चल जाए SSH सर्विस एनेबल कैसे करनी है, क्लियर। चल आगे भी दिखा सकता हूं, ये देखिए कर दी डिसेबल, डिसेबल क्यों करवा रहे हो, बंद नहीं हो जाएगा SSH, ठीक है जी। ठीक है, लिखा हुआ व्हाट डू यू मीन बाय पासवर्ड पॉलिसी, ACS कहता है भाई अगर तुम्हें कोई पासवर्ड डिफाइन करना है ना तो मेरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होगा, किसके अकॉर्डिंग, पॉलिसी क्या कह रही है, जी पढ़िए सब लोग पॉलिसी क्या कह रही है, नो यूजर नेम का मतलब क्या है, पासवर्ड के अंदर यूजर नेम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं रख सकता मैं एडमिन यूजर नेम बना दिया एडमिन 123 पासवर्ड रख दिया, ठीक है जी। अगली बात क्या कहता है, पासवर्ड में सिस्को भी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 कैरेक्टर, पासवर्ड लॉक और ये छोड़ दो अभी के लिए। लास्ट बात जो हमें याद रखनी है, हाँ जी 15 मिनट और, हाँ जी बुखड़, हाँ जी ICMP इको ऑन, मतलब क्या इसका, आप अपने ACS को पिंग कर सकते हो। अभी आपके सामने मैंने पिंग किया था, यस और नो, ये लो फिर जादू देख लो, ऑफ कर दिया,
कभी भी आप अपने एसीएस को आप क्या नहीं कर पाओगे, एक बार मैं लैब में बैठा हुआ था तो एक बच्चा आता है मेरे पास, सब लोग रियल टाइम सिनेरियोस में हम एसीएस पे पिंग बंद रखते हैं, रीजन बीइंग पिंग ट्रैफिक जो एसीएस के पास आएगा उसको सीपीयू प्रोसेस करेगा, तो कोई मेरे डिवाइस पे सीपीयू बेस्ड अटैक कर सकता है, यस और नो? तो हम रियल टाइम सिनेरियो में हमेशा एसीएस पे पिंग को क्या रखेंगे, बंद। क्लियर, इतना समझ में आया आपको? जीयूआई लेके देख ले, जीयूआई लेने के लिए आप वो वाला ब्राउजर यूज करना जिससे आप बचते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहां लिखना 150.1.7.112, देखो मैंने लिखा भी हुआ पहले, क्या कह रहा है, दिस साइट इज गॉन टू द वेब पेज, हां जी, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रहता है ACS एडमिन और पासवर्ड रहता है डिफॉल्ट, लिख देता हूं यहां, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड रहेगा डिफॉल्ट, जैसे ही आप पहली बार ACS एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे डिवाइस कहेगा भाई अपना पुराना पासवर्ड डालो और नया पासवर्ड सेट कर, क्लियर? तो यूजर नेम क्या है मेरा, ACS एडमिन, कोई प्रॉब्लम किसी को? हां जी, ओल्ड पासवर्ड क्या है, डिफॉल्ट, नया पासवर्ड सी कैपिटल आई एस सी जीरो एट द रेट 123, सी कैपिटल आई एस सी जीरो एट द रेट 123, ACS एडमिन मिल गया एक्सेस, सबसे पहले एक्सेस मिलते ही व्हाट इज आस्किंग फॉर, भाई मैं तेरे को बॉक्स का या फिर सर्विस का एक्सेस तभी दूंगा जब तेरे पास क्या होगा, देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको किसी के भी पास मिल जाएगा, आपको सिस्को की याद कब आएगी? हाँ जी, तो ऐसे तो एक बात बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास नीचे रैक में इतने सारे डिवाइस पड़े लगे हुए, फाइन, वो आप डिवाइस एक्सेस इसलिए कर पाते हो, सर्विसेज इसलिए यूज कर पाते हो क्योंकि उस सर्विस के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, हम आपको नेक्सस का एक्सेस क्यों नहीं देते, हमारे पास तो नेक्सस भी है, रीजन क्या चाहिए, हमारे पास ना सारे बॉक्स है, पोलो अल्टो भी है, एसआरएक्स भी है, फायरवॉल्स, लेकिन हम कभी भी नहीं चलाते उनको, रीजन हर एक साल बाद क्या लेना पड़ेगा उनका लाइसेंस, क्या लेना पड़ेगा लाइसेंस, राइट? इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है गाइस जहां पे अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो आपका जिंदगी में एक बार लाइसेंस बनता है, ठीक है जी, अगर आप बाहर की किसी भी कंट्री में जाते हो आपको हर एक साल के बाद अपने लाइसेंस को क्या करवाना पड़ता है, रिन्यू, अपने लाइसेंस को भी और गाड़ी को भी, इंडिया में क्या होता है एक आदमी 10 गाड़ियां खरीद लेता है, एग्री, आसान है खरीदना, लेकिन यूएस में क्या है, आप एक बार गाड़ी खरीदते हो, आरसी पता है सबको क्या होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर साल आपको लेना पड़ता है अपनी गाड़ी के लिए, तो वहां पे बंदा इतनी गाड़ियां खरीदता ही, वो 5 गाड़ी खरीद ली मैंने, 5 गाड़ी की मैं हर साल आरसी बनवाता हूँ, इट डजंट मेक सेंस ना, वैसे भी इंडिया में भी क्या जरूरत है 5-5 गाड़ियों की, पर लोगों के पास है, अंबानी के पास कितनी है पता है आपको, 175 कार्स, हाँ जी, जलिए मत, सोचिए कैसे कमानी है, ब्राउज पे क्लिक करिए, ACS लाइसेंस, इस पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉल करते ही मुझे एक्सेस मिल गया, डन। आज हम इनको नहीं देखेंगे, आज हम किसको देखेंगे, सिर्फ एक ही टैब को जिसको बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके ACS का डैशबोर्ड है, क्या है, डैशबोर्ड, इन चीजों के बारे में आने वाले टाइम में बात करूंगा, छोड़ दो, आज हम सिर्फ किसको देखेंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है,
मेरी कंपनी में दो इंजीनियर है, मैं क्या दोनों को एसीएस का सेम एक्सेस दे दूंगा? बस अब तक मैं बात क्या कर रहा था, लेट से मेरे पास राउटर है, मैं मेरे राउटर पे यूजर लॉग इन करता है, ठीक है, तो हम उस यूजर को प्रिविलेज लेवल देते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है वो कौन सी कमांड चला सकता है, कौन सी कमांड, एग्री यार? वैसे ही जो मेरे कंपनी में मेरे कोलीग्स होंगे, मेरे इंजीनियर्स होंगे, मैं चाहूंगा ना जब वो एसीएस को एक्सेस करें उन्हें भी कुछ पर्टिकुलर चीजें दिखे, क्या दिखे? कुछ पर्टिकुलर चीजें, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, क्या बोलते हैं उसको? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आपको दिखाता हूं। नॉर्मली मेरे पास जो रोल है वो एडमिन है, वो क्या है? एडमिन। एडमिन का मतलब है मेरे पास एसीएस पे हर तरह का एक्सेस है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन एसीएस पे डिफरेंट रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से रोल्स होते हैं देखेंगे, हम क्लिक करते हैं किस पे? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पे। पहला ऑप्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा अकाउंट्स के नीचे, तो किस पे क्लिक करता हूं सबसे पहले? अकाउंट्स। एक अकाउंट बना हुआ है, नाम क्या है? क्या अकाउंट है? एसीएस एडमिन। क्लियर? अब आपको कहे सर रोल, रोल भी प्रीडिफाइंड है, देखो जैसे एक एडमिन है जिसका नाम क्या है? पॉलिसी एडमिन, रीड ओनली एडमिन। चलो हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? एक रीड ओनली एडमिन जो चीजों को सिर्फ देख पाएगा, कभी भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना बात? वी आर टॉकिंग अबाउट कि जिसको मैं एसीएस का एक्सेस दूंगा वो क्या क्या कर पाएगा। जैसे अब तक हम बात कर रहे थे, हमने राउटर का एक्सेस दिया एक यूजर को, उस यूजर को हमने एक प्रिविलेज लेवल पुश किया, प्रिविलेज लेवल बताएगा कि वो यूजर कौन सी कमांड चला सकता है और कौन सी कमांड। वैसे ही मैं एसीएस हेड, मेरी कंपनी में 5-6 एसीएस लगा रखे हैं मैंने, अब मेरे और भी कुलीग्स हैं जो एसीएस पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैं उन कुलीग्स को किस टाइप का एक्सेस देना चाहता हूं? दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं अपने एसीएस पे किस तरह से रोल यूजर के लिए डिफाइन कर सकता हूं। मैं उस यूजर की बात कर रहा हूं जो एसीएस को एक्सेस करेगा, द यूजर हु विल एक्सेस द एसीएस। आपके सामने बताता हूं, क्लियर होगा। तो अकाउंट्स पे चलते हैं। जैसे एसीएस एडमिन मैंने यूजर नेम से लॉग इन किया था, वैसे एक और यूजर बनाऊंगा मैं आपके सामने। अभी किस पे क्लिक करूंगा? नाम क्या रहेगा? मुश्किल नाम क्या आपका? कुंदन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, पॉलिसी एडमिन। चलो रीड ओनली यूजर। पासवर्ड क्या रहेगा? सी कैपिटल आई एस सी। चलो मैं पासवर्ड रखता हूं सिस्को 123, ठीक है। क्या पासवर्ड रखा? सिस्को 123। अब क्या डिफाइन करना है? रोल क्या डिफाइन करना है? शायद आपको दिख नहीं रहा, क्या डिफाइन करना है? मैंने क्या रोल दे दिया इसको? सबमिट करने की कोशिश करी पर नहीं हुआ। This field is required. Confirm नहीं किया, क्या दिया था? Create हो गया, होना नहीं चाहिए था। Reason, authentication setting में चले एक बार। ओह यहाँ सारे सब कुछ अनटेक है, ठीक है। अगर यहाँ पे टिक होता ना तो कभी भी ये यूजर क्रिएट नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ लैब एग्जाम में वो क्या करता है, अब बच्चा क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन करना तो सीख जाता है,
डिवाइस ऐड कैसे करना है, यूजर कैसे बनाना है, पेपर देने चला जाता है। पेपर में क्या होता है, वहां होता है यूजर नेम आपको यूज करना है, सीसीआई और पासवर्ड यूज करना है, CCI 123, ठीक है जी। और वो इस ऑप्शन पे टिक कर देता है, पासवर्ड में नॉट कंटेन यूजर नेम और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो वहां जब वो यूजर बनाता है, यूजर क्रिएट ही नहीं होता, फिर वो क्या सोचता है, यार यहां पे तो कुछ अलग है, ठीक है जी। तो वी शुड बी क्लियर विद पासवर्ड पॉलिसी, किससे क्लियर होने चाहिए हम, पासवर्ड पॉलिसी से, ठीक है जी। समझ में आ रहा है सब लोगों को, मैंने अनटिक कर दिया इन ऑप्शंस को। ये पासवर्ड पॉलिसी देखने के लिए मैं कहां आया हूं, सबको दिख रहा है, किस पे आया हूं, ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स पे। यूजर्स के अंदर ऑप्शन है किसका, ऑथेंटिकेशन सेटिंग, जिसके अंदर ऑप्शन है पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम पासवर्ड पॉलिसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पासवर्ड पॉलिसी। डन, यहां देखिए सब लोग, मैंने अकाउंट बना दिया किस नाम से, कुंदन के नाम से, उसका एक्सेस क्या है, रीड ओनली। तो हम लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे, और कुंदन कुंदन के नाम से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है जी। मैं आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, लेट से देख तो सकता ही हूँ ना मैं, मेरे को डिवाइस ऐड करना है, तो मैंने क्लिक किया नेटवर्क डिवाइसेज एंड ट्रिपल ए क्लाइंट पे, कहीं क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, चलो जो ऑप्शन हम देख रहे थे वहीं चलते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स, कहीं क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, व्यू रीड ओनली, क्लियर। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट क्या असाइन कर सकते हो, रोल्स। क्या होगा जब मैं इसके जीयूआई के साथ फैमिलियर हो जाऊंगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा पॉलिसी एडमिन का मतलब क्या है। और मैं आपको पॉलिसी एडमिन बना के दिखा दूं, आप तो एक बार के लिए खुश हो जाओगे, हमें पता चल गया पॉलिसी एडमिन कैसे बनाते हैं भाई, वो कर क्या पाएगा। क्या हम इसके जीयूआई के साथ फैमिलियर हैं अब तक, नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ साथ हम रोल्स बना के देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी डिवाइस पढ़ेंगे तो उसपे हम पढ़ेंगे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का मतलब है उस डिवाइस का एक्सेस मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सबको मैं एडमिन तो नहीं बना सकता, क्या नहीं बना सकता, लेट्स किसी ने कोई कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दिया, इससे प्रॉब्लम आ गई, फिर हम क्या करते हैं, हर यूजर को उसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग क्या देते हैं, रोल, क्या देते हैं, रोल। तो जो बाय डिफॉल्ट यूजर रहता है उसका रोल क्या रहता है, सुपर एडमिन, क्या रहता है, सुपर एडमिन। चलो मैं रोल्स पे लेके चलता हूं, अब आपको सुपर एडमिन पे क्लिक करते हैं। देखो ये ना टैब्स है एक्चुअली, नेटवर्क डिवाइस ग्रुप, नेटवर्क डिवाइस एंड ट्रिपल ए क्लाइंट, डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस, ये सब कुछ कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, और दिख रहा है आपको, और इन रोल्स को आप एडिट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, जो रोल्स बने हुए हैं आप उनको एडिट नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम किसी को, अब मैं लॉग आउट कर दूं यहां से, फिर लॉग इन करूं, ACS एडमिन, पासवर्ड किस पे आ गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं क्या हूं, एडमिन हूं, क्लियर। कोई डाउट किसी को, तो बाकी देखेंगे सोमवार को, तो ये